अस्सलामु अलैकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, हीरा लाइट्स। हम वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं इस वक्त और वर्ड नंबर 126 है और वर्ड है प्लॉप्ड। प्लॉप्ड जब कोई चीज़ पानी में या किसी लिक्विड में गिरती है तो जो उसको साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम प्लॉप्ड कहते हैं। स्पेलिंग इसके देखें, PLO और PPED है इसमें, तो PP को इसमें याद रखना है। कैटेगरी जो है ये वर्ब है और ये फॉर्म्स हैं आगे इसकी लिखी हुई, प्लॉप, प्लॉप्ड, प्लॉप्ड और प्लॉपिंग। मीनिंग इसका देखते हैं ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के मुताबिक, अ शॉर्ट साउंड लाइक दैट ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ड्रॉपिंग इन टू वाटर। अच्छा, अब यूज देखें इसका, द स्टोन प्लॉप्ड इनटू द रिवर। दूसरा इसका मीनिंग देखें, टू थ्रो और सेट डाउन क्लमजीली और कैजुअली, यानी कोई चीज फेंकना या खुद बैठ जाना लापरवाही से, धम से, धप से कुर्सी के ऊपर, या कोई चीज रख देना धड़ाम से, धप से कुर्सी के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर, तो उसकी जो आवाज है उसको भी हम प्लॉप कहेंगे और इस एक्टिविटी को भी प्लॉप कहेंगे। अब इसका यूज नंबर वन देखें, ही जस्ट गॉटन बैक फ्रॉम अ लॉन्ग जर्नी एंड प्लॉप्ड डाउन ऑन द काउच। ये देखिए, ही हैड जस्ट गॉटन बैक फ्रॉम अ लॉन्ग डे, वो एक लंबा दिन गुजार के वापस आया, थकावट वाला लंबा दिन, एट वर्क काम किया उसने, एंड प्लॉप्ड डाउन ऑन द काउच और धड़ाम से काउच के ऊपर गिर पड़ा, धड़ाम से काउच के ऊपर बैठ गया, धप की आवाज से काउच के ऊपर बैठ गया है, धड़ाम हुआ। सिनोनिम्स इसके देखें, स्प्लैश, स्लॉप, स्पैटर्ड, स्प्रेड, स्लैप, स्मैक, स्प्लैटेड और फॉल और डिसेंड, ये दूसरे जो दूसरा जो मीनिंग है इसको सामने रखते हुए लिखा है। और एंटरिम इसका प्लेस्ड हो जाएगा, सिट हो जाएगा, लीव हो जाएगा, राइज या असेंड हो जाएगा। अब लीव, राइज और असेंड क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, कि जब आप किसी चीज को पानी में फेंकेंगे तो वो जाके पानी में गिरेगी और मिल जाएगी, लीव इसका एंटोनिम हो गया। राइज और असेंड ये ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स हैं और ये इस तरह से क्यों लिखा, उसकी वजह ये है कि प्लॉप में चीज गिरती है, डिसेंड होती है, तो इसका एंटोनिम फिर असेंड और राइज हो जाएगा। 127th वर्ड देखें, ये प्रिज्यूम है, फर्ज करना, मान लेना, तसव्वुर करना, कयास करना, प्रिज्यूम। ये स्पेलिंग देखें इसके, PRE और SUME, और ये वर्ब है कैटेगरी में, प्रिज्यूम, प्रिज्यूम्ड, प्रिज्यूम और प्रिज्यूमिंग। अच्छा, पहला यूज इसका देखें ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी का है, इसमें है टू सपोज दैट समथिंग इज ट्रू, फर्ज कर लेना कि कोई चीज सच है, ऑल्दो यू डू नॉट हैव एक्चुअल प्रूफ। अब देखें, अब इसका यूज देखें, इन माय चाइल्डहुड आई यूज टू प्रिज्यूम, बचपन में मैं कयास किया करता था, दैट देयर इज ब्लड ऑन मार्स, दैट इज व्हाई इट इज रेड, बट माय सपोजिशन वाज रॉन्ग। सेंटेंस नंबर टू देखें, आई प्रिज्यूम्ड दैट ही अंडरस्टूड द रूल्स, मैंने फर्ज कर लिया कि वो रूल्स को समझता है, यानी मैंने कयास कर लिया। अब मीनिंग के फौरन नीचे सेंटेंसेस इसीलिए मैंने लिखे हैं कि आप जब मीनिंग पढ़ो तो उसके फौरन बाद उसका यूज देखो, ताकि लफ्ज जो है वो जहन में अच्छे तरीके से बैठे। I presumed Zia to be Zeba's husband.
मैंने कयास किया कि जो जिया है वो जेबा का हस्बैंड है। दूसरा मीनिंग देखें, टू एक्सेप्ट दैट समथिंग इज ट्रू, ये मान लेना कि कोई चीज सच है अनटिल इट इज शोन नॉट टू बी ट्रू स्पेशली इन द कोर्ट। अब ये लॉ टर्मिनोलॉजी में है, लीगल टर्म है प्रज्यूम करना। वी मस्ट प्रज्यूम इनोसेंस अनटिल वी हैव प्रूफ ऑफ गिल्ट। वी मस्ट प्रज्यूम इनोसेंस, हमें बेगुनाही को प्रज्यूम कर लेना चाहिए, कयास कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए जब तक, अनटिल वी हैव प्रूफ ऑफ गिल्ट, जब तक हमें जुर्म का कोई सबूत ना मिले। तो प्रज्यूम का मतलब हो गया फर्ज कर लेना, मान लेना कि आपके पास एक्चुअल प्रूफ ना हो तो कयास कर लेना, फर्ज कर लेना। और दूसरा इसका मीनिंग ये है कि तब तक किसी चीज को मान लेना कि वो सच है जब तक के कोई सच्चा प्रूफ शो ना हो सके स्पेशली इन द कोर्ट अदालत में। और सपोज बिलीव अज्यूम गेस डिड्यूस इमेजिन पोस्टुलेट पॉजिट वगैरह इसका सिनोनिम्स बनेंगे। और एंटोनिम, अच्छा अब सिनोनिम में किसी चीज को मान लेना है भले उसकी बेसिस स्ट्रांग नहीं है लेकिन कयास किया जाता है, दुरुस्त माना जाता है। लेकिन एंटोनिम जो है वो इसका फिर डिसरिगार्ड होगा, डाउट होगा, डिसबिलीव होगा। उसके बाद अगला जो वर्ड है वो है प्रीकॉशंस। ये भी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है, इट्स नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू। प्रीकॉशंस एहतियाती तदाबीर को कहते हैं। प्रीकॉशंस के अगर आपने हिज्जे करने हैं, जोड़ करने हैं, तो इसे तीन पार्ट्स में तकसीम किया जा सकता है, प्री और सी ए यू और आगे शन, टी आई ओ एन शन और एस आई ओ एन शन की तो आवाज देता है। तो सी ए यू यहाँ पर इम्पोर्टेंट है प्रीकॉशंस में। प्री का लफ्ज भी आता है आपको, शंस का लफ्ज भी आता है, इस सी ए यू पे फोकस करना है आपने। कैटेगरी क्या है? नाउन है। और जनरली जो वर्ड्स टी आई ओ एन या एस आई ओ एन पे खत्म होते हैं जनरली वो नाउन होते हैं, जनरली 100% नहीं, जनरली। अब प्रीकॉशन का मीनिंग देखिए, पहला समथिंग दैट इज डन इन एडवांस, कोई चीज जो के पहले ही मुकम्मल कर ली जाए, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स, ताकि प्रॉब्लम से बचा जा सके, और टू अवॉइड डेंजर या डेंजर से बचा जा सके, अवॉइड किया जा सके। कोई काम, कोई हिकमत अमली कोई ऐसी अपनाना कि आप बच सके प्रॉब्लम से या डेंजर से, तो उसे प्रीकॉशन कहते हैं। You must take all reasonable precautions. आपको तमाम माकूल precautions लेनी चाहिए to protect yourself and your family, ताकि आप खुद को और अपने family को protect कर सको। दूसरा इसका meaning देखें, an action that is done to prevent something unpleasant or dangerous. ये Cambridge Dictionary जो है वो उसका ये meaning है। तो almost मिलते जुलते ही meaning है Oxford Advanced Learner के और Cambridge Dictionary के। अब कैम्ब्रिज का यूज देखें, दे फेल टू टेक द नेसेसरी प्रीकॉशंस टू अवॉइड इन्फेक्शन, वो नाकाम हुए, दे फेल्ड टू टेक नेसेसरी प्रीकॉशंस, अहम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में टू अवॉइड इन्फेक्शन, ताकि इन्फेक्शन से बच सके। सिनोनिम्स इनके डिफेंसिव, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, सेफगार्ड, फोर्टिफिकेशंस वगैरह होगा। एंटोनिम्स जो होंगे इसके फिर केयरलेसनेस है, हार्म्स है, नेग्लिजेंस है, क्योंकि प्रीकॉशन में एहतियात बरती जा रही होती है, तो एंटोनिम में इसका केयरलेस और नेग्लिजेंस वगैरह आएगा। अच्छा जी, अब पेंटिंग का लफ्ज है अगला, 129th वर्ड, हांपना, उर्दू में हांपना और इंग्लिश में पेंटिंग, और ये वर्ब है पेंट, पेंटेड, पेंटेड और पेंटिंग, ये इसकी फॉर्म्स बनेंगी। अब ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर जो इसका मतलब बता रही है, टू ब्रीद क्विकली, तेज तेज सांस लेना, जल्दी सांस लेना, विद शॉर्ट ब्रेथ्स, छोटी छोटी सांसें लेना, यूजुअली विद योर माउथ ओपन, आमतौर पर मुंह खोल के, बिकॉज यू हैव बीन सम फिजिकल एक्सरसाइज, डू बिकॉज You have been doing some physical exercise, के जैसे आपने कोई
जिस्मानी वर्जिश की है और बिकॉज इट इज वेरी हॉट या मौसम बहुत गर्म है, तो फिजिकल एक्सरसाइज की ज्यादती की वजह से या गर्म मौसम की ज्यादती की वजह से मुंह खोल के जो सांस अंदर बाहर निकालना होता है उसको हम पेंटिंग कहते हैं। और अब इसके फौरन बाद ही इसके यूजेस देखिए। ही रैन वेरी फास्ट, बहुत तेज भागा, फिनिश द रेस और रेस जीती उसने, पेंटिंग हैवीली, लेकिन वो हांप रहा था, शदीद, हैवीली मतलब शिद्दत से हांप रहा था। शी कुड हेयर हिम पेंटिंग अप द स्टेयर्स, उसने सुना कि वो हांपता हांपता सीढ़ियां चढ़ रहा है, पेंटिंग अप द स्टेयर्स, पेंटिंग अप सीढ़ियां। अब यहां पर हांपते हुए सीढ़ियां चढ़ना इसका मतलब हो जाएगा। नंबर थ्री देखे, ही फाउंड हर पेंटिंग फॉर ब्रेथ, उसने देखा कि वो सांस लेने के लिए हांप रही है, एट द टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी की चोटी पर, ऑक्सीजन की कमी होगी इस वजह से। सिनोनिम इसके पफ्ड और विंडेड और ब्रेथलेस और वीजिंग और गैस्पिंग और पफिंग और ब्रेथलेसनेस और आउट ऑफ ब्रेथ, इस किस्म के इसके मीनिंग्स होंगे। और क्योंकि ये एक हाइपर एक्टिविटी है, इसके अंदर एक हेस्ट होती है, एक तेजी होती है, तो एंटनिम इसका फिर काम, पीसफुल, एट ईज और रिलैक्स हो जाएगा। अब इसका दूसरा मीनिंग देखें, अगर पेंटिंग आफ्टर हो, पेंट आफ्टर यानी इसके बाद, ये अगर एज अ फ्रेजल वर्ब आए पेंट आफ्टर, तो इसका मतलब होता है टू लॉन्ग ईगरली, शदीद ख्वाहिश करना। मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी ये भी मतलब इसका बताती है, टू लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब लंबा भी होता है, लेकिन लॉन्ग का मतलब अगर वर्ब के तौर पर लिया जाए, लॉन्ग का वर्ड, तो इसका मतलब ख्वाहिश करना भी होता है। अब इसका यूज देखें, द रिच पेंट आफ्टर द मनी, यानी के जो उमरा हैं वो शदीद ख्वाहिश करते हैं दौलत की। सिनोनिम इसका पेंटिंग आफ्टर का देखिए, जियर्न और हैंकर, हैंकर आफ्टर, और अडोर यानी के इबादत करना, इंजॉय, एडमायर, अप्रिशिएट, ये इसके कॉनोटेटिव तीन मीनिंग्स बनेंगे। और एंटनिम फिर इसका हो गया अबहोर और डिसलाइक। अब मेरी नजर में ये जो इसका मीनिंग और यूज वन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीनिंग और यूज जो टू है इसका लेस इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद अगला लफ्ज है परचेस, खरीदना या खरीद, ये वर्ब भी है और नाउन भी है। ये अब हम यूज देखेंगे तो फिर इसके अंदर हमें अंदाजा होगा कि वर्ब किस तरह है और ये नाउन किस तरह है। और PUR पर और CHASE चेज, ये वही चेज वाले स्पेलिंग है, लेकिन तलफ़ुज़ इसका परचेस का डिफरेंट है, वो परचेस तलफ़ुज़ है इसका, परचेज नहीं है। लेकिन तलफ़ुज़ आपसे किसी ने नहीं पूछना, तो मैं तलफ़ुज़ इसलिए बताता होता हूँ कि जब देखने में लफ्ज़ का कुछ तलफ़ुज़ कुछ और बने, जैसे ये देखने में लफ्ज़ परचेज ही है, लेकिन इसका जो असल में जो इसका इसकी प्रोनंसिएशन है वो डिफरेंट है, तो ऐसे लफ्ज जल्दी याद होते हैं कि जिनकी फॉर्म कुछ और तलफ्फुज बता रही हो और उसका एक्चुअल जो प्रोनंसिएशन है वो कोई और हो, तो ऐसे लफ्ज नहीं भूलते। अब इसका अगर ये वर्ब है तो इसका फिर फॉर्म्स बनेंगी, परचेज्ड, परचेज्ड और परचेस, परचेज्ड और परचेज्ड और परचेजिंग। और ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के मुताबिक टू बाय समथिंग इसका मतलब है। अब देखें, प्लीज इंश्योर दैट यू परचेज योर टिकट इन एडवांस, कि आपने अपनी टिकट खरीद ली है एडवांस में। वी रिसेंटली परचेस्ड अ होम जस्ट आउटसाइड लॉस वेगस, हमने खरीदा एक घर, अभी अभी खरीदा है। द इक्विपमेंट कैन बी परचेस्ड, जो इक्विपमेंट है, जो आलात हैं, वो खरीदे जा सकते हैं फ्रॉम योर लोकल सप्लायर, आपका जो मकामी सप्लायर है उससे। दे परचेज द लैंड ऑफ लैंड फॉर 1 मिलियन डॉलर्स, तो उसने जमीन खरीदी 1 मिलियन डॉलर की। अच्छा, दूसरा इसका मीनिंग देखें, समथिंग दैट यू बाय और द एक्ट ऑफ बाइंग,
समथिंग दैट यू बाय। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि यहां हम इसको एज अ नाउन ले रहे हैं। ऊपर देखें ये वर्ब है, प्लीज इंश्योर दैट यू परचेज, यानी यू सब्जेक्ट परचेज वर्ब, वी परचेस्ड वी सब्जेक्ट और परचेस्ड वर्ब। इसी तरह कैन बी परचेस्ड परचेस्ड वर्ब, दे परचेस्ड यहां पर ये वर्ब है। अच्छा, समथिंग दैट यू बाय और टू और द एक्ट ऑफ बाइंग, ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी कह रही है एज अ नाउन। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर परचेस, अगर आप मुतमईन नहीं है अपनी खरीद से, यहां पर इसका मतलब खरीदना नहीं होगा, खरीद होगा। We will give you a full refund, तो हम आपके मुकम्मल पैसे वापस कर देंगे। तीसरा यूज देखें, a firm hold that allows someone or something to be pulled or lifted without sliding or falling। अब ये तीसरा यूज है, मेरी नजर में less important है। तो यहां पे परचेस का मतलब होगा ग्रिप करना। डांसर, अब इसका यूज देखिए, डांसर्स यूज अ स्पेशल पाउडर, जो रकास होते हैं वो एक खास पाउडर इस्तेमाल करते हैं, ऑन देयर शूज, अपने जूतों पर, यानी जूतों के तलवों पे लगाते होंगे, टू हेल्प देम गेट अ बेटर परचेस, ताकि उन्हें एक बेहतरीन ग्रिप मिले। तो यहां परचेस का मतलब ग्रिप है, ऑन द फ्लोर, फर्श पर। तो बहरहाल इसके जो सिनोनिम्स, जो मेन मीनिंग्स हैं उसके, वो पहला शेड और दूसरा शेड इसका मेन शेड है। तीसरा है सही लेकिन मेरी नजर में लेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज जो है वो कॉमन नहीं है। बाइंग, प्रोक्योरमेंट, एक्विजिशन, ऑब्टेन करना, हासिल करना, सिक्योर करना, कंजम्पशन वगैरह। और एंटोनिम फिर इसका सेल, सेल, हॉक, ट्रेड और रिटेल वगैरह हो जाएगा। हॉक का मतलब भी बेचना होता है। सेल और सेल में फर्क क्या है कि सेल वर्ब है और सेल जो है वो नाउन है। सेल वर्ब है ना जी, सेल सोल्ड, सोल्ड बनेगा ना, और सेल जो होता है वो नाउन होता है। उसके बाद अगला जो वर्ड है वो है परसिस्टेंट, साबित कदम रहना, कायम रहना, जारी रहना, इसरार करना। अब ये देखते हैं कि किस तरीके से ये क्यों उर्दू में ऐसे मतलब लिखे गए हैं यहाँ पे परसिस्टेंट में। अच्छा, परसिस्टेंट यहाँ पर PERSISTENT परसिस्टेंट, यहाँ पर स्पेलिंग इसके हो गए, तीन हिस्सों में इसे तोड़ा जा सकता है। कैटेगरी जो है इसकी वर्ब की है, कैटेगरी इसकी वर्ब की है, और अगर ये वर्ब है तो वर्ब की निशानी ये होती है कि इसकी फॉर्म्स बनती हैं, जिस तरह एडजेक्टिव की निशानी ये है कि उसकी डिग्रीज बनती हैं, एडवर्ब्स की भी डिग्रीज बाज़ औकात बनती हैं, अक्सर औकात बनती हैं बल्कि। तो वर्ब जो होता है वो उसकी फॉर्म्स बनती हैं। पहली फॉर्म है परसिस्ट और परसिस्टेड और परसिस्टेड और परसिस्टिंग। अच्छा, अब इसका मीनिंग देखते हैं। अब ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर का मीनिंग है टू कंटिन्यू टू डू समथिंग, कोई काम जारी रखना, यानी के साबित कदम रहना, डिस्पाइट डिफिकल्टीज, मुश्किलात या ऑपोजिशन के बावजूद, इन अ वे दैट कैन सीम अनरीजनेबल, और इस तरीके से काम जारी रखना कि वो दैट कैन सीम अनरीजनेबल, अपेरेंटली वो अनरीजनेबल हो। अपेरेंटली अनरीजनेबल होने का क्या मतलब है कि कोई अगर दूसरा शख्स आपको देखे तो वो कहे कि भाई ऐसी मुश्किलात या ऐसी ऑपोजिशन में पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन मुश्किलात और ऑपोजिशन के बावजूद अगर काम जारी रखा जाए तो उसको परसिस्टेंट कहेंगे। ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब इसका दूसरा मीनिंग देखें, टू गो ऑन रेजोल्यूटली, बढ़ते चले जाना, टू गो ऑन, काम जारी रखना, रेजोल्यूटली, मुस्तकिल मिजाजी से, स्टबर्नली, डट कर, इन स्पाइट ऑफ ऑपोजिशन, इम्पॉर्चुनिटी और वार्निंग। बेशक ऑपोजिशन हो, इम्पॉर्चुनिटी हो, या कोई वार्निंग कर रहा हो, अब मैरियम वेबस्टर ये बता रहा है। अच्छा, कॉलिंस डिक्शनरी ये बताती है टू कंटिन्यू। अब ये देखो आप लोग कि एक तो इन तीनों डिक्शनरी में ये जो कंटिन्यूटी की सेंस है वो कॉमन है,
कंटिन्यू। फिर मैरियम वेबस्टर कह रही थी कि टू गो ऑन, और कॉलिंस डिक्शनरी भी कह रही है टू कंटिन्यू। अच्छा और फिर आप ये भी देखो कि इसमें काम जारी रखना, फिर डिफिकल्टीज यहां भी है, वार्निंग यहां भी है, ऑपोजिशन यहां भी है, यानी कि ऑपोजिशन और डिफिकल्टी यहां भी है। तकरीबन तमाम डिक्शनरी में, तीनों डिक्शनरी में जो मेन डिक्शनरी है, इनमें जो मीनिंग है वो सेम है। तो इसीलिए बेटे इरा लाइट्स में आप लोगों को कहता होता हूं कि आप तसल्ली से मीनिंग, जो लफ्ज है उसका मीनिंग पढ़ा करो, ताकि उस लफ्ज से आपकी दोस्ती हो जाए अच्छी। और फिर उसके मीनिंग, उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं तो वो भी आसान हो जाएंगे। उसका अगर सेंटेंस कंप्लीशन में पूछा जाता है तो अगर आपको मीनिंग अच्छी तरह आता है तो वो भी आसान हो जाएगा। इसी तरीके से अगर उसकी वोकेबलरी की सेंस और उसके स्पेलिंग पूछे जाते हैं तो वो भी आपको आसान हो जाएंगे, क्योंकि भाई आपने टाइम खर्च किया होता है इस वर्ड पे, परसिस्टेंट पे, या जो भी वर्ड वर्ड आप पढ़ रहे होते हैं। अब इसका यूज देखें, व्हाई डू यू परसिस्ट इन ब्लेमिंग योर सेल्फ फॉर व्हाट हैपेंड। जो कुछ हुआ आप क्यों डटे हुए हो और खुद को मुरद इल्जाम ठहरा रहे हो। शी परसिस्टेड इन हर सर्च फॉर द ट्रूथ, वो साबित कदम रही सच्चाई की तलाश वो जो कर रही थी उसमें। इफ यू परसिस्ट इन अपसेटिंग हर आई विल हैव टू पनिश यू, अगर तुमने उसको अपसेट करना जारी रखा तो मुझे तुम्हें सजा देना होगी। द डिटेक्टिव स्टबर्नली परसिस्टेड विद द क्वेश्चंस, जो डिटेक्टिव था, जो जासूस था, जो तफ्तीशी था, वो डटा रहा, उसने जारी रखा अपने क्वेश्चंस को स्टबर्नली यानी सख्ती से। अच्छा, इसका मतलब है काम जारी रखना। तो पहला मीनिंग ये बना इसका, काम जारी रखना, मुस्तकिल मिजाज रहना। अच्छा, दूसरा इसका जो मीनिंग है वो है टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, यानी कि किसी चीज का कायमो दायम रहना। सेंटेंस देखें, द बिलीफ दैट द अर्थ वॉज फ्लैट, ये अकीदा कि अर्थ फ्लैट है, परसिस्टेड फॉर मैनी सेंचुरीज, कई सालों तक ये अकीदा, ये बिलीफ कायम रहा, यानी लोग उस पर यकीन करते रहे। इफ द सिम्टम्स परसिस्ट, अगर अलामात कायम रहती हैं, कंसल्ट योर डॉक्टर, तो अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए। तो सिनोनिम्स फिर इसके हो गए, परसिस्टेड, इंसिस्टेड, डिटरमिंड, कंटिन्यूड, परसिवियर्ड, टेनेशियस, कीप इट अप, कीप एट, कीप ऑन, कैरी ऑन, स्टिक एट, स्टिक इट आउट, वगैरह वगैरह। और एंटोनिम इसका स्टॉप या रिजर्व हो गया। अगला वर्ड है पेंसिवली। अब यहां पर जो उर्दू में मीनिंग इसका लिखा है, ख्यालो तफक्कुर, या सोचों में गर्क होना। अब इसका डीप जाके देखते हैं कि पेंसिवली जो है इसका मीनिंग है क्या। अब ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर कहती है कि इन अ वे दैट शोज दैट यू आर थिंकिंग डीपली। चलें जी, पेंसिव का पहला तो मतलब सामने आया कि गहराई में जाकर सोचना किसी चीज के बारे में, स्पेशली बिकॉज यू आर सैड और वरिड। लें, अब ये इसका फ्लेवर बना है इस लफ्ज का। गहराई में जाके तो कई चीजों के बारे में सोचा जाता है, मुस्तकबिल के बारे में, माजी के बारे में, लेकिन ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर ये कह रही है कि गहराई में जाके सोचना किसी चीज के बारे में, स्पेशली बिकॉज यू आर सैड और वरिड, जैसा कि आप मुतफक्किर हों या उदास हों, इसलिए ख्यालो तफक्कुर मैंने यहां पर लिखा है। ख्यालो तफक्कुर से होना चाहिए था यहाँ। अच्छा, ही गेज्ड पेंसिवली। अच्छा जी, अब इसका यूज देखें, ही गेज्ड पेंसिवली आउट ऑफ द विंडो।
वो मुतफक्कर अंदाज में घूर रहा था खिड़की से बाहर। दूसरा इसका मीनिंग देखें। अब ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी का मीनिंग है, इन अ वे दैट शोज दैट यू आर थिंकिंग इन अ क्वाइट वे ऑफन विद अ सीरियस एक्सप्रेशन ऑन योर फेस। तो यहां भी थिंकिंग इन अ क्वाइट वे, खामोशी से किसी चीज के बारे में सोचना। अब इसका यूज देखिए। ही गेज्ड पेंसिवली एट द ग्लास इन फ्रंट ऑफ हिम लॉस्ट इन थॉट। शी शुक हर हेड पेंसिवली। और इसका तीसरा मतलब देखिए। म्यूजिंगली और ड्रीमिली और थॉटफुली। म्यूजिंगली, ड्रीमिली, थॉटफुली और सजेस्टिव ऑफ सैडफुल थॉटनेस, थॉटफुलनेस, सैड थॉटफुलनेस। तो यहां भी सोच विचार का मानी आया है और एक सैडनेस का मानी आया है। अब ये सेंटेंस देखें। द प्रिंस लुक्ड पेंसिवली एट द रुइंस। जो शहजादा था उसने देखा ख्यालात में गर्क होकर, एट द रुइंस, खंडरात पर ऑफ द पैलेस, उस महल के, हिज फादर वंस बिल्ट, जो कि उसने बाप ने कभी तामीर करवाया था, तामीर किया था। सिनोनिम इसके हो गए थॉटफुली, मेडिटेटिवली, म्यूजिंगली, ब्रूडिंगली, कंटेम्पलेटिवली, पॉन्डरिंगली, रिफ्लेक्टिवली, कॉग्निटिवली, मेलनकली। मेलनकली जो है वो हुज्न मलाल को, दुख को कहते हैं। रूमिनेटिवली और एंटोनिम इसका अनथिंकिंगली, केयरलेसली वगैरह हो गया। अगला जो वर्ड है प्राइम, इसके डिफरेंट शेड्स हैं, आप जरा इसको देखते हैं। इसके तीन मैंने मतलब लिखे हैं, बुनियादी, बेहतरीन या अहम। कैटेगरी जो है इसकी एडजेक्टिव की है। अब ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के मुताबिक इसका पहला मतलब है मेन या मोस्ट इंपॉर्टेंट या बेसिक। माय प्राइम कंसर्न इज, मेरा जो बुनियादी मकसद है, इज टू प्रोटेक्ट माय प्रॉपर्टी। वो ये है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का तहफ्फुज़ करूं। विनिंग इज नॉट द प्राइम ऑब्जेक्टिव इन द स्पोर्ट। खेलों में, खेल में जीतना बुनियादी मकसद नहीं होता। द केयर ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की केयर करना इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, उसकी एक बुनियादी अहमियत है। बुनियादी, ये देखें, प्राइम बुनियादी। ही इज द पुलिस प्राइम सस्पेक्ट इन द केस। ये पुलिस का सबसे अहम सस्पेक्ट है, प्राइम सस्पेक्ट। पुलिस जिस पर शक कर रही है सबसे ज्यादा। दूसरा इसका मीनिंग देखें, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, एक्सीलेंट। द स्टोर हैज अ प्राइम पोजिशन इन द मॉल। इस स्टोर की सबसे बेस्ट पोजिशन है मॉल में, यानी कि सबसे बेहतरीन, अहम, सबसे अहम और बेहतरीन। अगला मतलब देखें, अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ समथिंग इज वन दैट इज टिपिकल ऑफ इट। अब प्राइम एग्जाम्पल का मतलब यह है कि ऐसी एग्जाम्पल दी जाए जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हो और वो पूरी की पूरी वो उस टाइप की एग्जाम्पल बन जाए। टाइप की एग्जाम्पल कैसे, देखिए, द बिल्डिंग इज अ प्राइम एग्जाम्पल। जो बिल्डिंग है वो टिपिकल एग्जाम्पल है ऑफ 1960s आर्किटेक्चर, यानी 1960 में जो आर्किटेक्चर था, अगर आपने देखना है कि वो कैसा है, तो ये जिस बिल्डिंग की बात हो रही है ये उसकी प्राइम एग्जाम्पल है, यानी ऐसी एग्जाम्पल है जो टिपिफाई कर रही है उसको, जो कि नमूने के तौर पर आपको बता रही है ये एक बिल्डिंग के 1960 में ऐसा आर्किटेक्चर होता था। प्राइम एग्जाम्पल यानी कि टिपिकल एग्जाम्पल, ऐसी एग्जाम्पल जो पूरी टाइप को शो करे, प्राइम।
अच्छा, ये सारे ऑक्सफोर्ड के जो हैं इस वक्त चल रहे हैं मीनिंग्स, मैं लिख देता हूं आगे। अच्छा जी, अगला इसका मीनिंग है मोस्ट लाइकली टू बी चोजन फॉर समथिंग मोस्ट सूटेबल, इंतहाई मौजू। द हाउस इज आइसोलेटेड, ये जो घर है वो अलग थलग है, एंड अ प्राइम टारगेट ऑफ द बर्गलर्स, और चोरों डाकुओं के लिए ये इंतहाई मौजू टारगेट है, यानी आसानी से इसको टारगेट बनाया जा सकता है। ही इज द प्राइम कैंडिडेट फॉर प्रमोशन, ये एक सबसे अहम सबसे मौजू कैंडिडेट है प्रमोशन के लिए। अब मेजर, मेन, की, चीफ, लीडिंग, प्राइमरी, प्रिंसिपल, क्रूशल, बेस्ट और एक्सीलेंट इसके सिनोनिम्स लिखे हैं कुछ, और एंटोनिम में इसके सेकेंडरी, सबॉर्डिनेट और माइनर और इंफीरियर वगैरह लिखे हैं। अगला जो लफ्ज है वो है प्लेसिडली। अब प्लेसिडली जो है इसका मतलब सुकून, इत्मीनान या ठहराव से, सुकून से, इत्मीनान से, ठहराव से, ये सेंस बनेगी इसकी। कैटेगरी जो है इसकी एडवर्ब की है, प्लेसिडली के मतलब आसान है जोड़, इसका जो स्पेलिंग है प्लेसिड है, PLACID और LY है आगे। अब मीनिंग इसका देखें, इन अ वे दैट शोज दैट यू आर नॉट इजीली एक्साइटेड और अनॉयड, यानी कि आपको आसानी से जोश में या गुस्से में नहीं, जोश या गुस्सा नहीं दिलाया जा सकता आपको। अच्छा, दूसरा इसका मीनिंग देखें, इन अ काम एंड पीसफुल वे विद अ वेरी लिटिल मूवमेंट प्लेसिडली। कैम्ब्रिज कह रही है इन अ काम वे, सीरीनली, सीरीनली का मतलब भी पुरसुकून अंदाज में हो गया, सीरीन का मतलब भी पुरसुकून होता है, फ्री ऑफ इंटरप्शन, किसी मुदाखलत के बिना और डिस्टर्बेंस, ये मैरियम वेबस्टर कह रही है। और कॉलिंग्स डिक्शनरी कह रही है नंबर 3, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 3, ये बनेगा 4 और 5। कॉलिंस कह रही है कि अ प्लेसिड पर्सन और एनिमल इज काम एंड डज नॉट इजीली बिकम एक्साइटेड, एंग्री और अपसेट। यानी प्लेसिड पर्सन ऐसे शख्स को कहते हैं, ऐसे एनिमल को कहते हैं जिसको आसानी से एक्साइटेड, एंग्री या अपसेट ना किया जा सके। अब इसका यूज देखें, द रिवर स्पार्कल्ड प्लेसिडली इन द सन, जो दरिया था वो चमक रहा था पुरसुकून अंदाज में सूरज की रोशनी से। सिनोनिम इसके कामली, सेडेटिवली, ट्रैंक्विली, सीरीनली, जेंटली, पीसफुली, क्वाइटली, माइल्डली, इक्वेबली, और एंटोनिम के अंदर फिर इसके रेस्टलेसनेस और अपसेट होना वगैरह आएगा, हेस्ट आएगी, यानी जो चीजें सुकून के एंटी में जाती हैं। 135th देखें, ये वर्ड है पीयर्ड, बारीक बीनी से बगौर देखना किसी चीज को, पीयर्ड वर्ब है, और पीयर, पीयर्ड, पीयर्ड और पीयरिंग फॉर्म्स होंगी इसकी। मीनिंग देखें, टू लुक क्लोजली और केयरफुली, क्लोजली केयरफुली, एहतियात से और क्लोजली, बारीकबीनी से देखना, स्पेशली व्हेन यू कैन नॉट सी इट क्लियरली। क्यों देखना, खास तौर पर जब आप उसे क्लियरली नहीं देख पा रहे, करीब जाकर गौर से देखना। पीयर्ड, वी पीयर्ड इनटू द शैडोज, ही वेंट टू द विंडो एंड पीयर्ड आउट, शी केप्ट पीयरिंग ओवर हर शोल्डर, ही पीयर्ड क्लोजली एट द फोटोग्राफ। अब कैम्ब्रिज डिक्शनरी भी कहती है, टू लुक केयरफुली और विद डिफिकल्टी, करीब से देखना, इस वजह से कि आपको
खाली आंख के साथ देखने में मुश्किल पेश आ रही है। Then no one answered, जब किसी ने जवाब न दिया, she peered through the window, उसने खिड़की से बगौर देखा, to see, ये देखने के लिए, if anyone was there, कि वहां पर कोई मौजूद है भी, आया के मौजूद है भी कि नहीं। The driver was peering into the distance, जो ड्राइवर था वो बगौर देख रहा था दूर फासले को, ट्राइंग टू रीड और पढ़ने की कोशिश कर रहा था द रोड साइन, के रोड साइन पर क्या लिखा है, रोड साइन क्या कहता है। सिनोनिम फिर इसके गेज्ड और स्टेयर्ड और स्क्रूटाइज्ड और एग्जामिन्ड और रेक्ड और गैप्ड और गॉक्ड और गॉप्ड और गेज्ड, गेज दो दफा हो गया। अच्छा, फ्रेजल वर्ब्स इसके हो गए लुक क्लोजली और गो ओवर। तो इसका मतलब यह हुआ कि बारीक बिनी से बगौर देखना। उसके बाद जो अगला वर्ड है वो प्रोपेलिंग है, प्रोपेलिंग। अच्छा, धकेलना या मजबूर करना, इसका मीनिंग लिखा है मैंने। प्रो का लफ्ज आपको आता है, पेल भी कोई नया वर्ड नहीं है, आई एन जी भी कोई नया वर्ड नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन याद कर लीजिए जरा। सिंगल एल नहीं है इसमें, डबल एल है प्रोपेलिंग में। अच्छा, अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये कहती है कि टू प्रोपेल समथिंग, टू मूव ड्राइव और पुश समथिंग, धकेलना किसी चीज को, हरकत में लाना किसी चीज को फॉरवर्ड, आगे की जानेब, और ना इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन या किसी भी खास सिम्त में लेकर जाना। यूज देखें, ही डिसाइडेड, सॉरी, ही सक्सीडेड इन प्रोपेलिंग द बॉल अक्रॉस द लाइन, वो कामयाब हो गया बॉल को धकेलने में लाइन के पार तक। दूसरा इसका मीनिंग देखें, टू प्रोपेल सम बॉडी, किसी शिफ्ट किसी शख्स को प्रोपेल करना, ये भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कह रही है। टू फोर्स समबडी टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और टू गेट इनटू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, प्रोपेल समथिंग, ये देखिए, और प्रोपेल समबडी, किसी शख्स या चीज को धकेलना आगे की जानिब या किसी खास डायरेक्शन में। ही वॉज प्रो, ही वॉज ग्रैब्ड फ्रॉम बिहाइंड, उसको पीछे से जकड़ लिया गया एंड प्रोपेल्ड, और धकेला गया थ्रू द डोर, दरवाजे में से। फ्यूरी प्रोपेल्ड हर इनटू एक्शन, फ्यूरी, गुस्से ने धकेला उसको, यानी कि मजबूर कर दिया उसको इनटू एक्शन के वो ये एक्शन करे। दिस पिक्चर प्रोपेल्ड हर, ये जो तस्वीर है इसने मजबूर किया उसे टू, इंटरनेशनल स्टार डम। अच्छा, इस पिक्चर ने उसे धकेल दिया, यानी ये जो पिक्चर उसने बनाई, इस पिक्चर ने उसे धकेल दिया। जैसे मैं कहूं कि फला सिंगर के किसी गाने ने उसे धकेल दिया इंटरनेशनल स्टार डम की तरफ, स्टार डम यानी के फेम। His social work is propelling him into the limelight. उसका जो समाजी काम था, वो जो social work, फलाहो बहबूद का फलाही काम जो कर रहा था, उसने उसको धकेल दिया limelight में, शोहरत में। limelight का मतलब भी शोहरत होता है। तो पुशिंग, ड्राइविंग, फोर्सिंग, बूस्टिंग, थ्रस्टिंग, इंपेलिंग, ये इसका सिनोनिम बनेंगे। पुलिंग, होल्डिंग, स्टेइंग, ड्रैगिंग, ये इसके एंटोनिम बनेंगे। अच्छा जी, पैशन के बड़े डिफरेंट मीनिंग सामने आए हैं जब मैं ढूंढ रहा था। देखिएगा, पैशन जज्बा, जुनून, मकसद और गुस्से को कहा जाता है। अब इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग शेड्स हैं या स्ट्रॉन्गर शेड्स हैं,
और मैं आपको बताता हूं, अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव, अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उसको पैशन कहते हैं, और आगे जज्बात का नाम लिखा हुआ है, अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यूज देखें, आई एडमायर द पैशन एंड कमिटमेंट शोन बाय द प्लेयर्स, मैं तारीफ करता हूं पैशन की, जज्बे की और कमिटमेंट की जो के प्लेयर्स दिखा रहे थे, जो के प्लेयर्स ने दिखाया, शी आर्ग्यूड हर केस विद कंसिडरेबल पैशन, उसने आर्ग्यू किया अपने केस पर कंसिडरेबल पैशन के साथ, जज्बे के साथ, नोटेबल जज्बे के साथ, द पीपल गैदर्ड इन टू अ क्राउड, लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने मजमा बना दिया, लोगों ने इकट्ठे होकर मजमा बना दिया, एंड देयर पैशंस वर रनिंग हाई, यानी दे वर हाईली इमोशनल, देयर पैशंस वर रनिंग हाई, ही इज अ मैन ऑफ वायलेंट पैशंस, इस शख्स में वायलेंट जज्बा है, वायलेंस का मुतशद्दद, दूसरा इसका मीनिंग देखें, A very strong feeling of liking something. फिर यहां पर strong feeling आई है. और कैसी strong feeling? किसी चीज को पसंद करने की, कोई hobby, कोई activity जिसे कोई बहुत शिद्दत से पसंद करता हो. जैसे music is his true passion. Music तो उसका सच्चा जनून है. She felt her job to pursue her lifelong passion for painting. She left her job. उसने अपनी job छोड़ दी. टू परसू और फॉलो किया, ताकुब किया अपने लाइफ लॉन्ग पैशन का, अपने जिंदगी के जुनून का जो कि पेंटिंग के लिए उसके अंदर मौजूद था, जज्बा था. ही वॉज क्वाइट अ मैन विद अ पैशन फॉर राइटिंग पोएट्री, और ये बंदा है जिसके अंदर एक पैशन है, जज्बा, जुनून है, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है शायरी लिखने की. They shared a passion for Italian food. उनके अंदर एक जज्बा है, शदीद लाइकिंग है इटालियन फूड की. और तीसरा इसका मीनिंग है स्टेट ऑफ बीइंग वेरी एंग्री. जैसे कि ज्यूज, जो यहूदी हैं, फ्लाई इन टू पैशन, वो गुस्से में आ जाते हैं. इफ एनी वन इवन मेंशंस हॉलोकॉस्ट, कोई हॉलोकॉस्ट का जिक्र भी करे तो. Desire, thirst, hunger, appetite, craving, lust, urge, ik, rage, वगैरह इसके synonyms बनेंगे. और इसमें बंदा inclined होता है किसी जज्बे की जानिब. जब आपको passion, जब आप passion की बात करते हो, तो it means that you are attached with particular emotion. और थिंग तो एंटोनिम इस वजह से इसका अपैथी, इनडिफरेंस, लेथार्जी, अनकंसर्न, बोर्डम की सेंस में आएगा, जिसमें बंदा डिटैच होता है. प्रॉम्प्टली का मतलब है फौरी तौर पर. प्रॉम्प्टली ये देखें, PROMPTLY मीनिंग है इसका विदाउट डिले. ऑक्सफोर्ड का मीनिंग है ये. शी डील्स विद ऑल द कॉरेस्पॉन्डेंस, वो तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस करती है प्रॉम्प्टली, फॉरन, एफिशिएंटली और मुस्तैदी से. दूसरा मीनिंग देखें, एग्जैक्टली एट द करेक्ट टाइम और एट द टाइम और एट द टाइम मेंशन्ड, इसका मतलब भी एन वक्त पे, फॉरन. अब इसका यूज देखें, दे अराइव प्रॉम्प्टली एट 2 o'clock. Exactly at 2 o'clock. She read the letter and promptly burst into tears. उसने खत पढ़ा और फौरन रोने लगी. Synonym इसका immediately हो जाएगा, instantaneously हो जाएगा, instantly, punctually, quickly, rapidly, फौरन, fast, sharply वगैरह. और phrasal verb में on time, at the appointed time, on the dot. और एंटोनिम इसका लेजी ली वगैरह. और प्रोक्रास्टिनेटेड का मतलब भी डिले करना होता है. प्रोक
प्रोक्रास्टिनेटेडली। ये वर्ड एक मिनट में देखूं कि है कि नहीं। प्रोक्रास्टिनेटेडली वर्ड तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, प्रोक्रास्टिनेटेड। अच्छा जी, उसके बाद अब अगला जो वर्ड है वो है प्रैक्टिकली, और प्रैक्टिकली का मतलब तकरीबन भी है और अमली तौर पर भी है। तकरीबन भी है और अमली तौर पर भी है। अच्छा, अब अमली तौर पर तो हम प्रैक्टिकल से इसको समझ लेते हैं। प्रैक्टिकल से हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब अमली तौर पर होगा, लेकिन तकरीबन की सेंस में हम कम कम ही इसे लेते हैं। अब देखिए जरा इसका मतलब समझते हैं कि ये प्रैक्टिकली का मतलब तकरीबन कैसे है। ऑलमोस्ट वेरी नियरली, द थिएटर वॉज प्रैक्टिकली एम्प्टी, यानी जो थिएटर था वो तकरीबन खाली था। देखें, प्रैक्टिकली एम्प्टी, ऑलमोस्ट एम्प्टी। यहां बेशक आप इसकी जगह पर ऑलमोस्ट लगा के देख लो। आई मीट फेमस पीपल प्रैक्टिकली एवरी डे, मैं मशहूर लोगों से मिलता हूं तकरीबन रोजाना। तो यहां भी प्रैक्टिकली का मतलब हो गया तकरीबन। माई एसे इज प्रैक्टिकली फिनिश नाउ, मेरा मजमून तकरीबन खत्म हो चुका है अब। ये देखिए, मैं साथ साथ ऑलमोस्ट लिखता जा रहा हूं। विद दैट क्रैक इन इट द वेस इज वर्थ प्रैक्टिकली नथिंग, क्योंकि इस गुलदान में क्रैक है तो इसकी जो वर्थ है, कदर और कीमत है, वो तकरीबन ना होने के बराबर है। प्रैक्टिकली नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग। देयर इज प्रैक्टिकली नो डिफरेंस, यानी देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज nearly no difference between these two options. Dusra meaning dekhe, in a realistic or sensible way, in real situations. Speaking, practically speaking, amali taur par agar baat ki jaye, we cannot afford it. It sounds like a good idea, but I don't think it will work practically. Main nahi samajhta ki ye amali taur par kaam karega ye idea. To almost, nearly, virtually, essentially, fairly, और दूसरा इसका बन गया रियलिस्टिकली, बेसिकली, प्रैग्मेटिकली और क्रेडिबली। और एंटोनिम इसके हो गए इम्प्रैक्टिकली, अनरियलिस्टिकली, थियोरेटिकली, थियोरेटिकली और फॉर और डिस्टेंट और फ्यूचर की सेंस में आएगा। प्रोन टू का मतलब है मुमकिना शिकार बनना, मुमकिना बुरा करने का रुझान या मैलान, प्रोन टू। अब इसको जरा कंगालते हैं, इस लफ्ज को। लाइकली टू सफर फ्रॉम समथिंग और लाइकली टू डू समथिंग बैड, लाइकली टू सफर फ्रॉम समथिंग, मुमकिना तौर पर किसी चीज का शिकार होने जा रहा है कोई, मुमकिना तौर पर। लाइकली टू डू समथिंग बैड और मुमकिना तौर पर बुरा करने का रुझान होना। यूज देखें, वर्किंग विदाउट अ ब्रेक, काम कर रहे हो, करते जा रहे हो बगैर किसी वक्फे के, मेक्स यू मोर प्रोन टू एरर। तो ये चीज तुम्हें बना रही है कि
मुमकिना तौर पर गलती करोगे, प्रोन टू एरर, तुम गलती का शिकार बनोगे थकावट की वजह से। सेंटेंस नंबर टू देखिए, टायर्ड ड्राइवर्स, जो थके हुए ड्राइवर्स होते हैं, वर फाउंड टू बी प्रैक्टिकली प्रोन टू इग्नोर वार्निंग साइंस। उनके अंदर ये मैलान होता है, रुझान होता है कि वो वार्निंग साइंस को इग्नोर कर देते हैं। पीपल हु आर जेनेटिकली प्रोन टू, वो लोग जो के जेनेटिकली शिकार होते हैं, शिकार बनने जा रहे होते हैं, टू पुटिंग ऑन वेट, कि उनका वेट ज्यादा, वेट बढ़ता है, प्रोन टू पुटिंग ऑन वेट, यानी वजन बढ़ने का शिकार होने का रुझान होता है उनके अंदर। शुड टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, तो उनको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। सन मूव्स, सन रिमूव्स द ऑयल एंड वैक्स, लीविंग द लेदर प्रोन टू क्रैकिंग। जो सूरज की रोशनी थी उसने रिमूव कर दिया ऑयल और वैक्स, अब जो चमड़ा है उसके अंदर रुझान है, मैलान है, एक मुमकिन हो गई है बात कि उसमें क्रैक्स आ जाए। दूसरा मीनिंग देखें, लाइकली टू सफर फ्रॉम एन इलनेस और शो अ पर्टिकुलर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ये कह रही है, आई हैव ऑलवेज बीन प्रोन टू हेडेक्स, मतलब मैं हमेशा शिकार बनने जा रहा होता हूं हेडेक्स का। ही वॉज प्रोन टू डिप्रेशन इवन एज अ टीन, एज अ टीनेजर, टीनेजर है लेकिन prone to depression, यानी is likely to suffer, मुमकिना तौर पर वो शिकार बनने जा रहा है, बनने जा रहा था depression का। She is prone to exaggerate, उसके अंदर एक रुझान है कि वो चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताती है। She is prone to exaggerate. The stretch of the road is prone to foggy patches. Stretch of the road, ये जो road का फैलाव है, मुमकिन है कि ये शिकार हो जाए, यानी आगे जाके फॉगी पैचेस आए, रोड के कुछ हिस्से ऐसे आए जो कि धुंध का शिकार हो। तीसरा मीनिंग देखें, हैविंग अ टेंडेंसी और इंक्लिनेशन, बीइंग लाइकली ऑफन यूज्ड विद टू, प्रोन टू, कोई बात है, हिज रिलेटिव्स आर प्रोन टू हार्ट डिजीजेस, उसके रिलेटिव्स में रुझान है हार्ट डिजीजेस का। द बैटरीज आर प्रोन टू कोरोजन, बैटरीज जो है उनके अंदर रुझान होता है, वो शिकार होती हैं कोरोजन, कोरोड होती हैं, तो इंक्लाइन टू, ससेप्टेबल टू, लाइकली टू, लायबल टू, पर प्रीडिस्पोज्ड टू, वल्नरेबल टू, टेंडिंग टू, सब्जेक्ट टू, ओपन टू, खुला होना, शिकार बनने के लिए खुला होना। और इसके जो एंटोनिम्स बनेंगे वो होगा सेफ और इम्यून और इनसेसेप्टेबल और इनवल्नरेबल वगैरह वगैरह। उसके बाद अगला लफ्ज है पैराफर्नेलिया, और इसको स्पेलिंग्स के, स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, पैरा है, फिर फर है, पी एच ई आर फर, और उसके बाद नेलिया है, एन ए एल आई ए। अब पैराफर्नेलिया है क्या? नाउन है कैटेगरी में, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पर्सनल पोजेशंस, स्पेशली द इक्विपमेंट दैट यू नीड फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। तीन चीजें हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ढेर सारा साजो सामान हो रहा होना, पैराफर्नेलिया। जैसा कि एसी ठीक करने कोई आपके घर आया है तो अपना पैराफर्नेलिया, साजो सामान साथ लेकर आएगा, जिसमें डिफरेंट टाइप के टूल्स होते हैं। वो लॉक लगाने, लॉक खोलने आया है आपकी तरफ, तो उसके पास भी उसका एक स्पेसिफिक पैराफर्नेलिया होगा, साजो सामान होगा। पर्सनल पोजेशंस, स्पेशली द इक्विपमेंट, आलात दैट यू नीड फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। अच्छा, अब इसके यूजेस देखिए, एन इलेक्ट्रिक केटल एंड ऑल द पैराफर्नेलिया फॉर मेकिंग टी। एक इलेक्ट्रिक केटल थी, बरकी चायदानी थी, एंड ऑल द पैराफर्नेलिया, और बाकी भी साजो सामान था चाय बनाने का, दूध, पत्ती, चीनी वगैरह वगैरह, और कॉफी बनाने का भी, वर देयर ऑन द टेबल, टेबल पर मौजूद थे।
ही वॉज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट किया गया फॉर पोजेसिंग सिरिंजेस, कि उसके पास सिरिंजेस थी, अनदर ड्रग पैराफर्मेलिया, और दूसरी भी ड्रग अद्वियात यानी तिब का उसके पास सामान मौजूद था, आलात मौजूद थे। दे वर केप्ट बिजी स्ट्रॉलिंग आउट अ हाउस एंड फर्नीचर एंड पैराफर्नेलिया ऑफ मैन, दे वर केप्ट बिजी सॉर्टिंग आउट अ हाउस एंड फर्नीचर एंड द पैराफर्नेलिया ऑफ मैरिड लाइफ। वो बिजी रहे, तलाश करते रहे, घर तलाश करते रहे, फर्नीचर तलाश करते रहे, और दूसरा जो भी साजो सामान होता है एक जोड़े के लिए, एक मैरिड लाइफ के लिए, घर में जो मौजूद होना चाहिए। द मेडिकल पैराफर्नेलिया एसोसिएटेड विद एन इंटेंसिव केयर यूनिट वॉज मॉडर्न। द मेडिकल पैराफर्नेलिया, जो मेडिकल साजो सामान था इंटेंसिव केयर यूनिट में जिसकी जरूरत होती है, वो मॉडर्न था। दूसरा मीनिंग देखे, ऑल द ऑब्जेक्ट्स नीडेड फॉर और कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, बैग्स ऑफ कोकीन एंड ऑल सोर्स ऑफ ड्रग पैराफर्नेलिया, फिर ड्रग पैराफर्नेलिया आया है यहां पर, वर सीज्ड एट द एयरपोर्ट। तीसरा मीनिंग देखिए मैरियम वेबस्टर का है, द सेपरेट रियल और पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैरिड वुमेन दैट कैन डिस्पोज ऑफ बाय विल एंड समटाइम्स अकॉर्डिंग टू कॉमन लॉ ड्यूरिंग हर लाइफ। ये लेस इंपॉर्टेंट है, तो पैराफर्नेलिया से मुराद साजो सामान है जो कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता है, और लिटरेचर में स्टेज के ऊपर जो चीजें रखी जाती हैं, किसी ड्रामा की जो सेटिंग बनाई जाती है स्टेज के ऊपर, जो भी कुर्सी, मेज, किताब, मुरझाया हुआ दरख्त, कोई तस्वीर, जो भी चीजें स्टेज पर लगाई जाती हैं उसे स्टेज पैराफर्नेलिया कहते हैं। तो स्टफ, इक्विपमेंट, किट, गेयर, थिंग्स, बिट एंड पीसेस वगैरह सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, सिनोनिम हो जाएंगे। उसके बाद अगला जो वर्ड है वो है प्रेरोगेटिव। अब जनरली आईवीई पे जो लव्स खत्म होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन ये नाउन है इसलिए भी इसको समझिए, इंपॉर्टेंट है। जोड़ करने हैं तो तीन हिस्से बनाइए, प्रेरो को अलहदा कीजिए, प्रेरो, या पी आर को भी अलहदा कर लीजिए, फिर एरो निकल आएगा, और गेटिव को इकट्ठा कर दीजिए, पी आर ई आर ओ, प्रेरो। मीनिंग है इसका राइट और एडवांटेज, एक हक होना या एक एडवांटेज होना, बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस और सोशल पोजिशन, प्रेरोगेटिव। जैसे कि तस्वीर में देखेंगे बादशाह का ये प्रेरोगेटिव होता है कि जब वो किसी मुल्क में आए तो उस मुल्क का बादशाह ही उसको आके रिसीव करे, प्रेरोगेटिव हक, इस्तेहकाक। मजीद इसको देखें, इस कॉन्सेप्ट को मैच्योर करने के लिए सेंटेंसेस देखें। इन मैनी कंट्रीज, कई ममालिक में एजुकेशन, जो तालीम है, इज स्टिल द प्रेरोगेटिव ऑफ द रिच। अब भी हक है सिर्फ अमीरों का, उस पर इस्तेहकाक है अमीरों का। द प्रेजिडेंट एक्सरसाइज हिज प्रेरोगेटिव, जो बादशाह था उसने अपना हक इस्तेमाल किया टू वीटो द बिल, और उसने बिल को वीटो कर दिया, बिल के खिलाफ वोट दिया। मेकिंग सच डिसीजंस, ऐसे डिसीजंस करना इज नॉट द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द मैनेजर्स, ये सिर्फ मैनेजर्स का ही इस्तेहकाक नहीं है, सिर्फ मैनेजर्स का इस्तेहकाक, सोल का मतलब सिर्फ हो गया।
सार प्रोटेक्टेड हिज पर्सनल प्रेरोगेटिव्स, जो सार था बादशाह को कहते हैं, और मेरा ख्याल है कि रूस के बादशाहों को जार कहा जाता था, टी साइलेंट है इसमें। प्रोटेक्टेड हिज पर्सनल प्रेरोगेटिव, उसके जो जाती इस्तेहकाक थे उसको उसकी वो हिफाजत करता था। शी थिंक्स इट्स अ वुमेन्स प्रेरोगेटिव, वो ये समझती है कि औरत का हक है टू चेंज हर माइंड, के वो अपना फैसला बदल ले। दूसरा मीनिंग देखें, समथिंग दैट सर्टन पीपल आर एबल और अलाउड टू डू और हैव, बट इट इज नॉट पॉसिबल और अलाउड फॉर एवरी वन। जैसे कि गाड़ी के ऊपर झंडा लगाना, तो ये सिर्फ वजीरों का प्रेरोगेटिव है, आम बंदा गाड़ी के ऊपर झंडा नहीं लगा सकता। नीली बत्ती लगाना ये ऑफिसर्स या ब्यूरोक्रेट्स का प्रेरोगेटिव है, आम लोग नीली बत्ती नहीं लगा सकते। अब इसका यूज देखिए, एलेक्स मजीद, ये भी अच्छे यूज थे, अच्छे सेंटेंसेस थे, इससे भी जो है वो मीनिंग क्लियर हो गया है। एलेक्स मेक्स ऑल द बिग डिसीजंस, दैट इज हिज प्रेरोगेटिव एज अ कंपनी डायरेक्टर। कंपनी डायरेक्टर है एलेक्स, एलेक्स लिहाजा ये उसका इस्तेहकाक है, उसका हक है कि वो बड़े बड़े डिसीजंस करें, तमाम बड़े, ऑल बिग डिसीजंस। स्कीइंग यूज टू बी द प्रेरोगेटिव ऑफ द रिच, स्कीइंग करना सिर्फ अमीर लोगों का इस्तेहकार था, पर पुराने जमाने में स्कीइंग मतलब वो जो बर्फ पे वो पैरों के ऊपर वो मेटालिक स्लाइड्स लगा के तो फिर फिसला जाता है। बट नाउ अ फार वाइडर रेंज ऑफ पीपल डू इट, और अब बड़ी रेंज में लोग स्कीइंग करते हैं। तो इसके सिनोनिम प्रिविलेज, राइट, ड्यू, एंटाइटलमेंट, बर्थ राइट, प्री रिक्विजिट, चॉइस वगैरह हो जाएगा। और एंटोनिम में ममनू, बैन, रिस्ट्रिक्शन वगैरह की सेंस आएगी। पाथ जो है इसको मैं नीचे कर देता हूं। अब पाथ जो है वो नाउन है और इसका मतलब है रास्ता, जनरली इसको यही कहा जाता है, रास्ता। इसका मीनिंग देखिए, अ वे और ट्रैक दैट इज बिल्ट, रास्ता जो कि बनाया जाए बाय द एक्शन ऑफ पीपल वॉकिंग, या खुद बन जाए और मेड बाय द एक्शन ऑफ पीपल्स वॉकिंग, लोगों के चलने से, या तो लोगों के चलने के लिए रास्ता बनाया जाए या चलने की वजह से रास्ता बन जाए। पहला सेंटेंस देखें, फॉलो द पाथ थ्रू द वुड्स, दे वॉक्ड अलोंग द क्लिफ पाथ टू द नेक्स्ट टाउन। वो जो पहाड़ी रास्ता था उसके उस पर वो चले, उसके साथ साथ चले अगले टाउन तक। द पाथ लेड अप आ स्टीप हिल, ये जो रास्ता है ये जाता है ढलानी पहाड़ी पर। दूसरा मीनिंग देखें, अ प्लान ऑफ एक्शन और अ वे ऑफ अचीविंग समथिंग। अब देखें रास्ता तो इसका मतलब ये है, तो प्लान ऑफ एक्शन यानी इसका मतलब भी रास्ता ही है, लेकिन मुहावराती मेटाफोरिक मीनिंग है इसका। हर सिस्टर फॉलोड अ डिफरेंट करियर पाथ। अब देखें पाथ का मतलब यहां पर वो फिजिकल पाथ नहीं है जो कि रास्ता चलने के लिए होता है, ये एक मुहावराती मेटाफोरिकल पाथ है। देर इज नो इजी पाथ टू सक्सेस, कामयाबी का रास्ता। अब कामयाबी का रास्ता, कामयाबी का कोई रास्ता होता नहीं है जिसके ऊपर चला जाए फिजिकल तरीके से, तो मुहावराती तौर पर इस्तेमाल है। हेयर आर सम पॉइंटर्स टू सेट यू ऑन द राइट पाथ। द कंपनी कैन नॉट कंटिन्यू इट्स करंट पाथ, आवर कंट्री इज हेडिंग डाउन द रॉन्ग पाथ एंड नीड्स टू चेंज। द प्रेजिडेंट अर्ज द रेबल्स, प्रेजिडेंट ने अर्ज किया रेबल्स को जो बगावत कर रहे थे, बागी थे, टू चूज, के वो चूज करें द पाथ ऑफ पीस, अमन का रास्ता।
सो मैनी पीपल आर सीकिंग सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल पाथ, कई लोग हैं जो के तलाश कर रहे हैं रूहानी रास्ते को। तो है दोनों का मतलब रास्ता ही, दोनों मीनिंग्स, दोनों ऑक्सफोर्ड के मीनिंग है। तो पहला जो रास्ता है वो फिजिकल मीनिंग में है और दूसरा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग में है, मेटाफोरिकल मीनिंग में। ट्रेल, ट्रैक, पाथवे, फुटपाथ, रूट, लेन वगैरह वगैरह, और एंटोनिम क्लोजिंग और ब्लॉकेज हो जाएगा। प्रिसीजन का मतलब होता है दुरुस्तगी, प्री सीजन, ये जोड़ बनेंगे इसके, नाउन है, काउंटेबल नाउन है। मीनिंग है इसका द क्वालिटी ऑफ बीइंग एग्जैक्ट, एक्यूरेट एंड केयरफुल। एग्जैक्ट होना, एग्जैक्टिट्यूड होना, एक्यूरेट होना और केयरफुल होना, मोहतात भी होना। हर राइटिंग इज इमेजिनेटिव, उसने जो लिखा है वो उसके अंदर एक तसव्वुराती, तखय्युलाती रंग तो है, बट लैक्स प्रसीजन, लेकिन उसके अंदर प्रसीजन नहीं है, एग्जैक्टनेस नहीं है। उसकी राइटिंग कभी इधर बहक जाती है, कभी उधर बहक जाती है। ही चोज हिज वर्ड्स विद प्रसीजन, उसने अपने अल्फाज को चुना एहतियात के साथ। हिस्टोरियंस कांट एस्टिमेट द डेट विद एनी डिग्री ऑफ प्रसीजन, हिस्टोरियंस जो है वो तारीख का अंदाजा नहीं लगा सकते ठीक ठीक दुरुस्त दुरुस्त। चिंपैंजीज आर एबल टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स, चिंपैंजीज जो हैं वो ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं विद हाई डिग्री ऑफ प्रसीजन, इंतहाई दुरुस्तगी, एग्जैक्टनेस के साथ। ही ऑर्गेनाइज द टीम विद मिलिट्री प्रोसीजन, उसने टीम को ऑर्गेनाइज किया एक फौजी दुरुस्तगी के साथ, एग्जैक्टनेस के साथ, प्रोसीजन। द मोमेंट आर एग्जीक्यूटेड विद अटमोस्ट प्रोसीजन, जो जो कार्रवाई थी उसको अमल में लाया गया मुकम्मल प्रोसीजन के साथ, दुरुस्तगी के साथ। द रेबल्स लॉन्च्ड मिसाइल्स विद पिन पॉइंट प्रसिजन, द बिल्डिंग्स वर नियरली लेड आउट बाय ऑलमोस्ट मैथमेटिकल प्रसिजन, बिल्डिंग बनाई गई और उनके अंदर एक मैथमेटिकल प्रसिजन थी। तो एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी, केयर, करेक्टनेस, मेटिकुलसनेस, एग्जैक्टिट्यूड, फास्टिडियसनेस, स्ट्रिक्टनेस, ये इसका सेरेनिम होगा। और एंटोनिम इसके होंगे फ्लॉ, एरर, फॉल्ट वगैरह। पेजॉज का मतलब, पेजॉज का मतलब जज्बा, जोशो खरोश, और इसमें पिज्जा वाला वर्ड तो मौजूद है, डबल जेड एड आपने करना है, लेकिन ये तलफ़ुज पिज्जाज नहीं है, ये पेजॉज है, पेजॉज, पेजॉज। नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है। अ लाइवली और एक्साइटिंग क्वालिटी और स्टाइल, वी नीड समवन विद यूथ, ग्लैमर एंड पिजॉज। दूसरा मीनिंग है कैम्ब्रिज का, द क्वालिटी ऑफ नोटिसेबल एनर्जेटिक एक्साइटमेंट, लाइवली होना, एक्साइटमेंट होना, ये सेंसेस आ रही हैं इसमें। और मैरियम वेबस्टर भी कह रही है कि द क्वालिटी ऑफ बींग एक्साइटिंग और अट्रैक्टिव, देयर परफॉर्मेंस वॉज फुल ऑफ पिजॉज, स्टाइल, फ्लेयर, ग्लैमर, स्पार्क, जेस्ट, जिंग, डैश, एनर्जी। और जब आप कोई काम पजॉस से करते हो तो आप अटैच होते हो उसके साथ, इसलिए एंटोनिम में एक डिटैचमेंट होगी, अपैथी, रिपल्शन, लेथार्जी वगैरह। वन फोर्टी सिक्स वर्ड देखें, नीचे ले जाता हूं इसे मैं, पूरा आ जाए ताकि। पोटेंशियल,
अब पोटेंशियल का जो पहला मतलब है वो तो सब जानते हैं, अच्छा सबसे पहले तो ये देखें कि मुमकिना इस्तेदाद और काबिलियत को कहते हैं। पोटेंशियल यूं इसके जोड़ बनाए जा सकते हैं, एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। अब एडजेक्टिव के तौर पर कैसे आ रहा है, दैट कैन डेवलप इनटू समथिंग और बी डेवलप्ड इन द फ्यूचर, ऐसी चीज जो के डेवलप की जा सके, दैट कैन डेवलप इनटू समथिंग और बी डेवलप्ड इन द फ्यूचर। पोटेंशियल रिस्क, ये फ्रेजेस, अब ये भी ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के है ताकि आपको यूज का पता चले। पोटेंशियल रिस्क, मुमकिना खतरात जो के आ सकते हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स, मुमकिना कस्टमर्स, बायर्स, इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स, पोटेंशियल थ्रेट, मुमकिना खतरा, पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर, अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वी हैव कंपाइल्ड, हमने मुरतब की है अ लिस्ट ऑफ 10 पोटेंशियल कैंडिडेट्स, ऐसे कैंडिडेट्स जो के मुमकिना तौर पर जिनको सेलेक्ट किया जा सकता है। द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ यूरोपियन कॉम्बिनेशन आर सेवरल, द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ यहां पर विटामिन लिख देते हैं आर सेवरल। The potential impact of the largest surge in oil prices is serious. Potential impact, जो मुमकिना impact, देखें मुमकिना की सेंस आ रही है यहां पर सारी, जो कि चीज डेवेलप हो सकती है। Have you looked into the potential side effects of the treatment? क्या आपने मुमकिना side effects के बारे में गौर किया है treatment के बाद जो होंगे? अब अगला देखें, पॉसिबल व्हेन नेसेसरी कंडीशंस एग्जिस्ट, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ये भी ऑलमोस्ट वही मतलब है। पोटेंशियल बायर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स, पोटेंशियल डेंजर्स, पोटेंशियल डेंजर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स, पोटेंशियल मार्केट, पोटेंशियल बेनिफिट्स। तीसरा मीनिंग देखिए, द रीजन हैज एनॉर्मस पोटेंशियल, अहलियत। अब यहां पर और मतलब आ गया, देखिए ऊपर मैंने मतलब लिखा था इसका, मुमकिना इस्तेदाद, काबिलियत, अब अहलियत की सेंस आ रही है इसमें। अब ये नाउन है, रीजन हैज एनॉर्मस पोटेंशियल, इस रीजन के अंदर बड़ा वसी पोटेंशियल है, एहलियत है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आई डोंट फील आई एम अचीविंग माई फुल पोटेंशियल इन माई प्रेजेंट जॉब। यू हैव द पोटेंशियल, तुम्हारे अंदर एहलियत है टू रीच द टॉप ऑफ योर प्रोफेशन। आई थिंक दिस रूम हैज गॉट अ ग्रेट पोटेंशियल, इस रूम के अंदर एहलियत है, ग्रेट पोटेंशियल है, मतलब ये इस्तेमाल में लाया जा सकता है। Synonym possible, latent, probable, budding, impending, prospective, ability, capability, aptitude, proficiency, capacity वगैरह आएगा इसमें। क्वालिटेटिव खसूसियाती, क्वालिटी से निकला है खसूसियत से, क्वालिटेटिव, ये इससे जोड़ होंगे इसके, एडजेक्टिव है ये। मीनिंग ऑक्सफोर्ड का देखें, कनेक्टेड विद व्हाट समथिंग
इज लाइक और हाउ गुड इट इज, कि कोई चीज कैसी है, व्हाट समथिंग इज लाइक, कोई चीज कैसी है और हाउ गुड इट इज या वो कितनी अच्छी है, रादर देन विद हाउ मच ऑफ इट इज देयर, बनिस्बत इसके के वो कितनी मिकदार में मौजूद है, क्वालिटेटिव. देयर आर क्वालिटेटिव डिफरेंसेस बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स. दूसरा मीनिंग है रिलेटिंग टू हाउ गुड और बैड समथिंग इज, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ये कह रही है. इज देयर एनी क्वालिटेटिव डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू डीवीडी प्लेयर्स. अब सिनोनिम में क्वालिटी, क्लास, वैल्यू, वर्थ, सिग्निफिकेंस, अप्रोक्सीमेट, सब्जेक्टिव, कंडीशनल, डिपेंडेंट, पार्शल, ये भी इसके सिनोनिम हो गए. एंटोनिम्स में हो गया इसका क्वांटिटेटिव, ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिक, क्वांटिफाइबल, डेसिमल वगैरह. अगला जो वर्ड है वो है क्वाम. क्वाम का अगर हम मानी देखें तो खलिश, कसक, जमीर की आवाज, क्वाम, अ फीलिंग ऑफ डाउट, शक की फीलिंग और वरी, या फिकर की फीलिंग अबाउट वेदर व्हाट यू आर डूइंग इज राइट, के जो कुछ आप कर रहे हैं वो सच भी है, वो ठीक भी है, वो दुरुस्त भी है कि नहीं. He had been working very hard, so he had no qualms. वो बड़ी सख्त मेहनत करता रहा था, लिहाजा उसके अंदर कोई खलिश या कसक नहीं थी अबाउट टेकिंग अ फ्यू डेज ऑफ, कि जब उसने कुछ डेज ऑफ लिया, छुट्टी की, तो उसे कोई जमीर की आवाज ने तंग नहीं किया क्योंकि उसने पहले काम किया था. She left her husband and children without qualm. वो बगैर किसी कसक के, खलिश के, उसने अपने हस्बैंड और बच्चों को छोड़ दिया. अब इसका मीनिंग देखें. दूसरा, आप कैम्ब्रिज ये कह रही है, अनकंफर्टेबल फीलिंग व्हेन यू डाउट इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग. वही कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो आपको मॉरल स्क्रूपल, आपको जमीर खींचे कि ये काम ठीक है कि नहीं है. She had no qualms about lying to the police. उसको कोई कसक, कोई खलिश नहीं थी कि उसने पुलिस से झूठ बोला. तीसरा मीनिंग देखें. A feeling of uneasiness about a point especially of conscience. Conscience भी जमीर को कहते हैं. वही sense इसके अंदर मौजूद है. और मैरियम वेबस्टर ही ये कह रही है, सडन फीलिंग ऑफ यूजुअली डिस्टर्बिंग इमोशन. यानी इसके अंदर जो मेन चीज है वो ये आपके जमीर की आवाज है, ये वो खलिश है, ये कसक है, ये डाउट है, ये शक है, ये खौफ है, कि जो आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये ठीक है, ये दुरुस्त है, ये इखलाकी है या नहीं. तो डाउट और डिस्क्वाइट और स्क्रूपल और मिसगिविंग और पैंग और एप्रीहेंसिवनेस वगैरह इसके सिनोनिम्स बनेंगे. अच्छा, एंटोनिम्स में फिर कंफर्मेशन, वैलिडेशन वगैरह आएगा, अफर्मेशन के आपको यकीन है कि ठीक है. अगला जो वर्ड है वो है क्वांटिटेटिव. कनेक्टेड विद द अमाउंट ऑफ नंबर, अमाउंट और नंबर ऑफ समथिंग रादर देन हाउ गुड इट इज. अच्छा, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव ये एंटोनिम्स बन गए फिर एक, इसका मतलब है दूसरे. क्वालिटेटिव में हम बात कर रहे थे विथ समथिंग के कोई चीज कैसी है और कितनी अच्छी है.
और इस बात के बारे में बात नहीं कर रहे थे वो कितनी मकदार में, हाउ मच ऑफ इज देयर ऑफ इट इज, हाउ मच ऑफ इट देयर इज। लेकिन क्वांटिटेटिव हम क्वांटिटी से ले रहे हैं, मकदारी कमियती मतलब है इसका, यानी मेजरेबल और न्यूमेरिकल और क्वांटिफाइएबल और रेकनेबल और कैलकुलेबल और असेसेबल और कंप्यूटेबल। उसके जो क्वालिटेटिव के जो सिनोनिम्स बन रहे थे वो बन रहे थे क्वालिटी और क्लास और वैल्यू और वर्थ और सिग्निफिकेंस और अप्रोक्सीमिटी और सब्जेक्टिव, कंडीशनल होना, डिपेंडेंट होना। लेकिन यहां मेजरेबल, न्यूमेरिकल, क्वांटिफाइएबल इसका मतलब बन रहे हैं। क्वारल का मतलब हो गया झगड़ा, QUARRL है यहां पर, नाउन है। एंग्री आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट किसी पर्सनल मैटर पे। ही डिड नॉट मेंशन द क्वारल विद हिज वाइफ, झगड़ा। ही गॉट इन्वॉल्व्ड इन अ क्वारल विद द नेबर, झगड़ा। ही हैड अ क्वारल अबाउट मनी, झगड़ा। They had a quarrel over the ownership of the piece of land. उनका तनाजा था। Were you at any time aware of the quarrel between the two of them? Jhagda. We have no quarrel with their plans. Quarrel with. हमें कोई ऐतराज नहीं है। In fact, we support them. तो यहाँ quarrel का मतलब ऐतराज बना। यहां पर ऑब्जेक्शन लिख देते हैं। तो सिनोनिम इसके हो गए डिस्प्यूट और फाइट और क्लैश और स्क्वैबल, डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट, डेफ, रो, रैंगल वगैरह। एंटोनिम्स इसका हो, एंटोनिम्स इसके हो गए अग्रीमेंट, हार्मनी, फ्रेंडशिप वगैरह। तो ये हुजूर 150 तक कंप्लीट हुए। अब अगला जो मैं अपलोड करूंगा लेक्चर वो 151 से लेके और 208 तक होगा मुकम्मल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इरालाइट्स बॉयज एंड गर्ल्स, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।